तो एक्सेल में इफ कंडीशन इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, ये भी एक फंक्शन है जिसका नाम है इफ कंडीशन लॉजिक। ठीक, ये क्या करता है, ये फंक्शन आपके प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग पावर को ऐड करता है। ठीक है, क्या करता है, डिसीजन मेकिंग पावर ऐड करता है। मिसाल के तौर पे अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर अभी हम कहीं किसी सेल पे सम फंक्शन को लगाएंगे और आगे जाके भले हम उसको प्लस करने को कहें, माइनस करने को कहें या मल्टीप्लाई करने को कहें, तो वो इसी तरह से काम करेगा जो हमने उस पर बताया होगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। वो जस्ट डू इट, जस्ट डू मतलब वो करता रहेगा। इसको हम यूँ लिखेंगे कि वो ऑलवेज डू सम, मतलब वो सम करता रहेगा। अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपने ऐसे ही किया ना, अगर आपने टोटल लिया तो वो टोटल ही कर रहा था, परसेंटेज कर रहा था वो परसेंटेज ही कर रहा था, फिर आपने उसकी डिस्काउंट निकाला, टैक्स कैलकुलेट किया, तो सब में वो एक ही तरह से एक्शन कर रहा था और वो ऑलवेज परफॉर्म करता रहता है। इसकी एक मिसाल यहाँ पर हम यू भी ले सकते हैं। हमने एक शीट की थी जिसका नाम था लेजर, तो लेजर शीट पे देखें, अगर आपने यहाँ पर जब बैलेंस निकालने की बात आई थी तो आपने फॉर्मूला लगाया था इक्वल टू डेबिट के बराबर होता है और क्लिक करेंगे सम, और डेबिट में से माइनस करा था अपने क्रेडिट को और प्लस किया था अपने बैलेंस को, तो जैसे इंटर किया था तो उसका टोटल आ गया था। यहाँ से क्लिक करने के बाद जैसे ही आपने इसको यहाँ पर से टोटल लिया था तो यहां से टोटल हमने जब लिया था तो यहां पर आपका टोटल आ तो गया था, मतलब डेबिट बैलेंस यहां आ रहा था, फिर 6000 हो गया था, फिर 10000 हो गया था। चले, जहां पे एंट्री हो रही थी वहां तक तो ठीक था, लेकिन नीचे भी वो फॉर्मूले को फॉलो करता ही जा रहा था क्योंकि जस्ट डू इट मतलब जस्ट परफॉर्म करना है। अब अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना चाहें, चेंज क्या करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज ये हो यार कि मतलब मैं जब चाहूं जब सम करे, इस कंडीशन में हो तब सम करे, यानी कि इसमें कुछ कंडीशन सेट करना चाह रहे हैं। अब व्हाट इज कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन, तो कंडीशन क्या होती है बताइए, कंडीशन वर्ड सुना है किसी ने कि उसके मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोई भी हालत। हाँ हाँ, कैफियत, हालत। अच्छा, अब यहां पे कंडीशन का मतलब ये है कि किस हालत में क्या काम करना है। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन में जो है इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि ठीक है, हाँ ठीक है, तो कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं मुख्तलिफ कंडीशन बना सकते हैं, जैसे कि जब सेल में कुछ टाइप करें तो फॉर्मूला रन करें, तो फॉर्मूला रन करें। ठीक है, कंडीशन ये बता सकते हैं जब सेल 2000 की हो तो ग्रेटर देन 2000 सेल, और तो उस पर जो है 15% टैक्स लगे। ठीक है, लेकिन जब वो बढ़ के सेल आपकी हो जाए 4000 से ऊपर चली जाए तो उस पर 20% टैक्स लगे। ये चीज आप इस पे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप इस पे इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको इफ कंडीशन की। इफ कंडीशन आपके प्रोग्राम में जैसे आप चाहते हैं उस तरह से काम करने की फैसिलिटी देता है। लेकिन इफ कैसे लिखते हैं, पहले इक्वल टू इफ लिखेंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन बताएंगे, फिर कंडीशन के बाद अब कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो ट्रू वाला कोड चले, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फॉल्स वाला कोड चले। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, यानी कि रूल है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब पहले तो हम एक डिसाइड करें करना क्या है। चले, पहले हम इस वाले सेल के ऊपर देखते हैं, इसको करके देखते हैं कि मैं यहां पे ये चाह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर इस सेल पर ये वाला फॉर्मूला जब रन हो, जब मैं यहां पर कोई डेट लिखूं फॉर एग्जाम्पल, या कुछ भी सेल में लिखूं, भाई इस सेल में लिखूंगा इसका मतलब मैं इसमें डेटा करना चाह रहा हूं, नहीं लिखूंगा तो नहीं करना चाह रहा। या मिसाल के तौर पे आपकी इस वाली शीट पे देखें, यहां पे एक मसला आ रहा है स्टॉक इन एक्सेस, स्टॉक यानी कि हमने यहां पे भी कंडीशन बताई हुई है कि भाई देखें अगर आपका कोई भी आइटम का जो स्टॉक है वो अगर 10 से ब्लो है, मतलब 10 से कम है, तो वो स्टॉक आपको बताए कि अपडेट करने की जरूरत है। अगर वो आइटम 100 से ऊपर है तो वो आपको बताए कि स्टॉक को क्या करने की जरूरत है, स्टॉक एक्सिस में है। अगर वो आइटम 100 से बिलो है, 10 से अबव है, इसके दरमियान में है, तो आपको कहे स्टॉक अवेलेबल है। 10 से ऊपर है, 10 है, 11 है, 12 है, और 100 से कम है, 80, 90, 99 तक है, तो वो कहे हमारे पास अवेलेबल है आइटम। तो ये शीट में हमने ये काम कर रखा था। लेकिन सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि इफ की कंडीशन कैसे काम करेगी। इफ की कंडीशन हमें ड्यूअल मोड में आंसर दे सकती है, ट्रू में अलग और फॉल्स में अलग, ट्रू में अलग और फॉल्स में अलग। कंडीशन बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा इनके बारे में, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, कंपैरिजन
ऑपरेटर्स के बारे में. अब कंपैरेटिव देन ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेटर्स ये, इसका मतलब है ग्रेटर देन, इसका मतलब है लेस देन, इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू. ये डबल चेक हो रहा है, ठीक है, और इसका मतलब है लेस देन और इसका मतलब है नॉट इक्वल टू एक्सेल के अंदर, ठीक है, और इसका मतलब है इक्वल टू, ठीक है. तो ये कंडीशन चेक करने के लिए ऑपरेटर्स हैं जो आपने इसी तरीके से यूज करने हैं. चलें अब एक छोटा सा हम यहाँ पे एक टास्क बनाते हैं और उस टास्क में ये लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी हम यहाँ पे एक सेक्शन बना रहे हैं, एज लिख रहे हैं यहाँ पे, और एज लिखने के बाद हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि ये हमें कंप्यूटर जो है दो तरह से रिप्लाई करे. वेदर अगर एज किसी की हम यहाँ पे इनपुट करें और रिप्लाई यहाँ पे करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको तीनों को सिलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर्स किया और यहाँ पे थिक बॉक्स किया और यहाँ पे हम रख दिया. हम इसको कह रहे हैं कि भाई अगर किसी की एज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले कंडीशन कि अगर एज किसी की 18 हो, एज इक्वल टू, एज किसी की भी इक्वल टू 18 हो या अबव हो, तो उसको शो करे यहाँ पर एक मैसेज शो करे और उस मैसेज में वो लिखा हुआ है एडल्ट. अदरवाइज वहां पे दिखाए टीन एजर, टीन एजर, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाए. तो ये काम कैसे हो सकता है? मतलब मैं यहाँ पर स्टेटस लिख लेता हूँ और यहाँ पर एक एज लिख रहा हूँ, सपोज टू बी 20, तो यहाँ पर दिखाए एडल्ट, और जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 17, तो यहाँ पे दिखाए टीन एजर. ऐसे कैसे कर सकता है मेरा एक्सेल में काम? तो इस तरह के काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. आपकी कंडीशन क्या हो रही है? कंडीशन ये हो रही है कि एज एक सेल की वैल्यू है, उस सेल को चेक करना है. सेल में अगर 18 या 18 से बड़ी वैल्यू है तो एडल्ट दिखा दे, और अगर उससे कम है तो उधर वहां पे टीनेजर दिखा दे. इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखेंगे, देखें सबसे पहले आपने इस सेल पे फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो यहां पर आके फॉर्मूले को टाइप करना है. कैसे करेंगे देखिए, यहां लिखेंगे इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट. लिखने के बाद अब आप कहेंगे कि चेक करो इस सेल को, सेल को चेक करेगा, रेफरेंस ले लिया आपने उस सेल का. क्या कह रहे हैं कि अगर इस सेल की वैल्यू किसके बराबर या बड़ी है, 18 के बराबर है या बड़ी है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे. बड़ी है या बराबर है किसके? 18 के. तो 18 आपका ये आ गया कंडीशन पॉइंट. ये आपने लिखी कंडीशन, इफ ए सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब ए सिक्स की वैल्यू जो लिखी जाएगी या लिखी हुई है वो 18 है या 18 से ज्यादा है, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू. नीचे देखिए आपको सिंटैक्स भी समझाता जा रहा है कॉमा के बाद. तो फिर क्या करना है? हाँ, अब आउटपुट लेना है. आउटपुट क्या लेना है? आउटपुट हमें लिखा हुआ आ जाए एडल्ट. अब ADULT एडल्ट, ये किस टाइप का डेटा है? इंटीजर डेटा है, मतलब नंबर डेटा है, या स्ट्रिंग डेटा है, यानी कि लेटर्स वाला है, स्ट्रिंग डेटा है. स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लेटर्स विच मेक वर्ड्स लेटर्स, ठीक है. तो याद रखें जब भी आउटपुट आपको स्ट्रिंग्स में लेना होगा तो आप डबल कोट्स में लेंगे. किस में लेंगे? डबल कोट शिफ्ट के साथ इंटर के बराबर वाले बटन को दबाएंगे, डबल कोट आ जाएगा. इसमें आप क्या चाह रहे हैं? लिखा हुआ आ जाए एडल्ट, और कोटेशंस को ओवर करेंगे. ये आपका आउटपुट जब दिखाएगा, जब वैल्यू कंडीशन ट्रू होगी, मतलब वैल्यू A6 सेल की ग्रेटर हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी 18 के, कॉमा. इफ फॉल्स, अगर ऐसा ना हो, उसकी वैल्यू 18 से ज्यादा ना हो या 18 के बराबर ना हो, तो क्या करें? फिर हमें आउटपुट किस में लेना है? स्ट्रिंग्स में लेना है. तो डबल कोट्स लगाएंगे, हम कहेंगे टीन एजर, ठीक है, और यहाँ पे कोटेशंस को बंद कर देंगे. तो ये हमारे दो आउटपुट बन गए जो हमें ये कंडीशन रिटर्न करेगी. फाइनली जो ब्रैकेट स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक, उस ब्रैकेट को भी ओवर करेंगे. ये आपकी कंडीशन कंप्लीट है. अब इंटर करेंगे तो देखें क्या दिखा रहा है, टीन एजर. अब इसको करते हैं 18, तो क्या दिखा रहा है? सही है. तो इस तरह से देखिए आपका आउटपुट जो है चेंज होता जा रहा है. तो ये हमने एक एग्जांपल ली और इस एग्जांपल को हमने यहाँ पर इसको करके देखा, और इसका फॉर्मूला भी मैंने देखे दोबारा से, इसके फॉर्मूला को इक्वल के साथ नहीं बल्कि मैं इसे कॉपी करके इसके नीचे ही लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि इसका आउटपुट इस तरह आ रहा है. अब दूसरा हम यहाँ पे एक और चीज को समझने की कोशिश करेंगे. मिसाल के तौर पर ये तो एक मामला था जिसमें आपने इस तरह से किया, इसको हम वन साइडेड भी कर सकते हैं. क्या कह रहे हैं? वन साइडेड. ये तो हमने ड्यूअल आंसर लिया ना, वन साइडेड आंसर में क्या होगा? सेम हम इसी चीज को चेक करते हैं इस सेल के ऊपर, ठीक है. तो हम यहां लिख रहे हैं इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, चेक करो इस सेल को, AC9 सेल को, अगर इसकी वैल्यू लेस देन है, क्या है? लेस देन है 18 से. अब मैंने दूसरा ऑपरेटर यूज किया सिर्फ लेस देन वाला, इक्वल नहीं लगाया, तो सिंगल कंडीशन यूज करेगा. लेस देन है 18 से, 18 से जब
तो जब लेस हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली 17, 16, 15, 14, 13 जो भी बनेगा, तो उस सूरत में मुझे आउटपुट स्ट्रिंग्स पे ही चाहिए। गलती हो गई, इस तरह से भी हो जाती है, चले वापस नीचे आते हैं। आउटपुट मुझे स्ट्रिंग्स पे ही चाहिए, तो डबल कोट्स लगाया और उसके अंदर मैंने लिख दिया, हम यहां ले लेते हैं यू आर नॉट एडल्ट, एक पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है, या यू आर नॉट एलिजिबल, आप इस काबिल नहीं है, ठीक है, एंटर कर देते हैं। तो अभी क्या दिखा रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल। आप कहेंगे सर इसमें तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है, जब कुछ नहीं है तो वो जीरो कंसीडर किया जाता है और जीरो 18 से कम होता है। आप चले ऐड करते हैं, मैंने यहां पे 19 लिखा तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स, वन साइडेड है ना, आपने एक ही साइड बताई है। कंडीशन के मुताबिक आपने क्या कहा है कि भाई अगर वैल्यू 18 से कम हो तो बताए यू आर क्या नॉट एलिजिबल, लेकिन ये तो 19 है, 18 से बड़ा है, 18 पे भी यही बताएगा, 21 पे भी यही बताएगा, लेकिन 17 पुट करेंगे, 16 पुट करेंगे तो कंडीशन काम करेगी। तो समझाने का मतलब ये है वन साइडेड भी हो सकती है, सिर्फ आप एक ही आंसर लेना चाह रहे हैं और वो आंसर आप इस तरह से लिख के भी ले सकते हैं। तो ये वन साइडेड, मैंने सिर्फ इसका ट्रू का आंसर लिया है, फॉल्स कब होगा वो मैंने बताया ही नहीं, तो इसलिए मुझे रिटर्न भी नहीं किया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मल्टीपल भी कर सकते हैं आप इसको, क्या कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। मल्टीपल क्या कहेंगे, हम इसको एजिस पे तीन हिस्सों में डाल देते हैं, मतलब हम ये ऐसा करते हैं 10 तक कहे कि यू आर चाइल्ड, ठीक है, और फिर इसको आगे चलते हैं और 10 से ऊपर जाता है 11, 12, 13, 14, तो उसको हम कहते हैं यू आर टीनेजर, और 18 से ऊपर जाता है तो हम कहते हैं उसको यू आर एडल्ट, सही है। तीन कंडीशन पे कैसे लाएंगे, तो मल्टीपल इफ भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल इफ कैसे यूज करेंगे, चले आइए इस सेल को रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ और इस सेल को भी मैं यहाँ पे एज का रेफरेंस ले लेता हूँ। अब आइए इस पे फंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो हमने बताई तीन कंडीशन के 10 साल और 10 साल से कम के बच्चे को ये कहे कि यू आर चाइल्ड, 18 साल और 18 साल से कम लेकिन 10 साल से बड़े बच्चे को बताए कि यू आर टीनेजर, और 18 साल से बड़े बच्चे को बताए कि यू आर एडल्ट, तीन कंडीशंस में कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पे हम एक लिखते हैं पहले वैल्यू इक्वल टू, इफ स्टार्ट ब्रैकेट चेक करवाएंगे। अब हम कैसे आएंगे, हम इसको सपोज टू बी ऊपर से नीचे आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। कैसे, इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट चेक करो, चेक क्या करना है, आपने कहा चेक करो इस सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर है और इक्वल है किससे, 18 से, और कॉमा, तो आउटपुट दिखाओ, क्या दिखाओगे, यू आर एडल्ट, ठीक है, कोटेशंस को ओवर किया, कॉमा लगाया। इफ चेक करो कि इसी सेल की वैल्यू, कॉमा लगा के दोबारा इफ शुरू कर दिया, मल्टीपल इफ बता रहा हूं मैं आपको, ग्रेटर है और इक्वल है किससे, सपोज टू बी 10 के, तो कॉमा में देखे डबल कोटेशन में दिया यू आर टीनेजर, ठीक है, और कोटेशन बन गया कॉमा। थर्ड, इफ स्टार्ट ब्रेकेट दिस सेल वैल्यू लेस देन 10, लेस देन 10, तो कॉमा में डबल कोटेशन में आउटपुट दे यू आर चाइल्ड, और तीन दफा स्टार्ट ब्रेकेट और तीन दफा ओवर कर दे, तो अब आपका आउटपुट तीन स्टेप्स में आने वाला है। इंटर करते हैं तो देखिए क्या दिखा रहा है, यू आर चाइल्ड, जब कुछ नहीं है तो जीरो है और जीरो 10 से कम है, चले 9, यू आर चाइल्ड, 10, यू आर टीनेजर, 10 पे टीनेजर करना था, नहीं करना था, चले फॉर्मूले को रीड करते हैं। देखिए आपने लिखा है लेस देन 10 में, इसलिए वो कर रहा है यू आर टीनेजर, इसको अब लेस देन 10 के बजाय हम क्या कर देंगे, लेस देन 11, ठीक है, और ऊपर वाले फॉर्म में यू आर एडल्ट इफ टीनेजर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के बजाय क्या कर देंगे 11, ठीक है, और एंटर करेंगे तो देखिए क्या बता रहा है, यू आर चाइल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10, ठीक है, तो यू आर चाइल्ड 11, यू आर टीनेजर 12, यू आर टीनेजर 13, यू आर टीनेजर 14, यू आर टीनेजर 15, 16, 17, 18, यू आर एडल्ट 21, 22, 24, 25, सब में क्या बता रहा है, यू आर एडल्ट। तो ये देखिए आपने मल्टीपल कंडीशंस भी इफ की एक साथ लिख के उसको भी ट्रू करा सकते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल इफ भी आप यूज कर सकते हैं और उनको इस तरीके से अपनी कंडीशंस दिखा सकते हैं कि वो किस तरह से आपको रिएक्ट करे और किस तरह से वो आपको दिखाए।
तो कहने का मकसद ये है कि ये मैंने इफ की कंडीशन आपको समझाई है स्ट्रिंग्स का आउटपुट लेने के लिए, नंबर का आउटपुट लेने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है, उसको अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए काम है जो मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए।